हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक इंट्राडे ट्रेडिंग करने के एक आसान तरीका। एक देखिए, आपने ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का नाम सुना होगा कि ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड को फॉलो करना कितना अच्छा रहता है। तो इसको देखिए, एक अच्छे बच्चे की तरह हम कैसे जो है ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। तो इसको मैंने नाम दिया एक अच्छा बच्चा इंट्राडे ट्रेडिंग तकनीक या स्ट्रेटजी, जो भी आप कहें, एक नाम दे दिया है। दोस्तों, ये इसलिए दिया है मैंने क्योंकि देखिए, ट्रेंड फॉलो, आपने सुना होगा कि ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ट्रेंड आया है तो ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम सब वो, आप ट्रेंड को फॉलो क्या सही में कर पा रहे हैं, ये चीज़ आप मूल्यांकन करें। तो इसलिए मैंने इसको एक नाम दे दिया है ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, ये चीज़ आपको समझ में आ जाए कि अच्छा बच्चा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे मैं आपको यही दिखाना चाहूँगा कि सारा कुछ मैं हटा देता हूँ और आपको ये बता देता हूँ कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम काम कैसे करता है। कोई भी आपको ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अगर बनाना होता है, या इंट्राडे में भी आप ट्रेंड फॉलो करना सीख रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप कैसे ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका दोस्तों होता है, देखिए, ट्रेंड को फॉलो करने का, मूविंग एवरेज ले लो या सुपर ट्रेंड ले लो, ठीक है। मूविंग एवरेज से आप ट्रेंड को फॉलो कर लो या सुपर ट्रेंड से आप ट्रेंड को फॉलो कर लो, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर से कर लो या सुपर ट्रेंड से कर लो। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आपको सेटिंग रखनी होती है 7-2 की, ठीक है। 7-2 भी मैं आपको बता दूंगा, आप 7-2 की सेटिंग रख सकते हैं। 7-2 की सेटिंग देखिए काफी फास्ट हो जाती है, आप 7-3 से स्टार्ट कीजिए, कोई वो नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आप 7-3 से स्टार्ट कीजिए। 7-2 की जो सेटिंग्स होती है वो काफी फास्ट हो जाती है, काफी ज्यादा सिग्नल मिलते हैं। तो ये अब ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है, मान लीजिए आप इस स्ट्रेटेजी से, आप देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ट्रेंड फॉलो करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि मान लीजिए सुपर ट्रेंड आपने लगा दिया 7-3 सेटिंग्स का, और एक अच्छे बच्चे की तरह हम ट्रेंड को फॉलो कैसे कर सकते हैं, अच्छे बच्चे की तरह इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, सुपर ट्रेंड जब डाउन हुआ तो आपने ये देखा कि हाँ, ये इस रेंज से भी ब्रेक हुआ है। देखिए, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग टेक्निक अभी साइड में रख देते हैं, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यानी अच्छे बच्चे की तरह ट्रेंड को कैसे फॉलो करें। जब भी सुपर ट्रेंड डाउन होता है तो आपको यहाँ सेल की एंट्री मिलती है। बेसिक तरीके से मैं आपको बेसिक तरीके से अभी बहुत ही रॉ फॉर्म में आपको मैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम समझा रहा हूँ, और इसको आप कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, ज़्यादा एनालिसिस भी कर सकते हैं कि सपोर्ट अगर टूट रही है तो ही मैं ये एंट्री लूँ, ये एंट्री वैलिड है या नहीं, फॉल्स सिग्नल तो नहीं है, वो सारी चीज़ें। अभी एक तरफ अभी आप सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम समझिए, ये आप समझ गए तो आप स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को इन जनरल बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम दोस्तों यही होता है कि यहाँ पे अगर सेल की एंट्री आ रही है तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पे एक सेल की एंट्री इनिशिएट कर देता हूँ। स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस आपको सुपर ट्रेंड के ऊपर रखना होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में जा रही है, देखिए मार्केट आपके फेवर में जा रही है, आपको अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यही होता है, आपको अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना है, ठीक है। आप अपना स्टॉप लॉस नीचे ले आए और नीचे ले आए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको कितनी मूव मिली, देखिए 906 से 892 की मूव मिली, ठीक है। अंदाजन कोई 14 पॉइंट्स आपको मिले, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपका बाय का सिग्नल जनरेट हो गया, ठीक है। बाय का सिग्नल आपका जनरेट हो गया, अभी आपको एनालिसिस नहीं करना है कि ये वैलिड है, फॉल्स है या कुछ भी है, अभी आपको सिर्फ इसमें एंट्री लेनी है। और आपकी बाय की एंट्री बनती है दोस्तों 898 पे, और आपका स्टॉप लॉस होता है 883 पे। तो ये वाला, और पोजीशन साइजिंग आपको इसमें मेंटेन रखनी पड़ती है कि आप इक्वल अमाउंट ही रखें, मतलब यहाँ पे अगर आपने 1000 रुपये का रिस्क लिया है तो उसमें जितने शेयर्स आएंगे उतने बाय करने हैं। यहाँ पे भी 1000 रुपये का रिस्क लिया है तो ये नहीं है कि आपको इसमें 2000 शेयर बाय कर रहे हैं, किसी ट्रेड में 1500 बाय कर रहे हैं तो वो अनइवन हो जाएगा, उसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का सबसे बड़ा कैच ये होता है कि आपको पोजीशन साइजिंग इक्वल रखनी है, मतलब जितने स्टॉक्स आपके 1000 रुपये के, ये देखिए 898 से 883 जो है 13 पॉइंट बनते हैं, तो 1000 रुपए के हिसाब से इसमें जितने स्टॉक आ रहे हैं उतने ही आपको बाय करने हैं। और देखिए, जब आपको स्टॉक आपके फेवर में जा रहा है तो आपको
अच्छे बच्चे की तरह, यहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह, इसलिए मैंने इसको नाम दिया अच्छा बच्चा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अच्छे बच्चे की तरह अपना स्टॉप लॉस जो है, जैसे जैसे सुपर ट्रेंड ऊपर जा रहा है अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके जाना है। तो आप देखिए ब्रेक इवन से भी ऊपर आ गए, और यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो भी देखिए ये सुपर ट्रेंड आपको आपके स्टॉप लॉस को हिट होने से भी बचा लेता है। ये अलग से समझेंगे और सुपर ट्रेंड को अलग से समझेंगे, लेकिन इसमें आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए यहाँ पे आके मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस ले लिया, तो यहाँ पे आपको कितना जो है कितना मिला, 896 से 942 दोस्तों, कितनी बड़ी मूव मिली। पहले 18 पॉइंट की मूव, अब 42 पॉइंट और यहाँ पे 4, यानी 48 और 18 आपके अंदाजन 66 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये आपको 66 पॉइंट्स की मूव मिली। अब आपने यहाँ सेल की एंट्री ले लेनी है। देखिए स्ट्रेस लेस ट्रेडिंग टेक्निक बता रहा हूँ मैं ये, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। और देखिए अब आप ये कहेंगे कि देखिए यहाँ पे आपको मूव मिली पूरी, यहाँ पे भी मूव मिली, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने एंट्री ले ली 914 पे, यहाँ पे आपको एंट्री मिली, आपका यहाँ स्टॉप लॉस आया कहीं 903 पे, तो देखिए यहाँ पे आपकी सेल की एंट्री बन गई, तो आपको यहाँ से एग्जिट करना है। तो 897 और 914 अगर आप करेंगे तो ये अंदाजन आपके 18 पॉइंट लॉस में चले गए। ये नहीं है कि इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट्स ही मिलेंगे, लेकिन जब आपको प्रॉफिट मिलेंगे तो बड़े मिलेंगे, और जब आपको लॉसेस मिल रहे हैं तो छोटे मिल रहे हैं। यही तो ट्रेडिंग का नियम है कि जब आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो बहुत बड़े मिल रहे हैं, और लॉसेस छोटे छोटे मिल रहे हैं तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रह रहे हैं। ये चीज़ को समझ लीजिए, इस चीज़ को कहीं पर लिख दीजिए कि ट्रेडिंग में लॉसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या आप भी लॉसेस लेने से डर रहे हैं मार्केट में? डरते हैं आप मार्केट में लॉसेस लेने से? तो ये चीज़ अब आप ट्रेडर नहीं बन सकते अगर आप लॉसेस लेने से डर रहे हैं तो। लेकिन बड़े लॉसेस लेने से डरना चाहिए, छोटे लॉसेस लेने से नहीं डरना चाहिए। छोटे लॉसेस क्या होते हैं? छोटे लॉसेस होते हैं कि आपके जो कैपिटल है उसका अगर आपने 1% लूज करा एक ट्रेड में तो वो छोटा लॉस है, लेकिन अगर आपने अपनी कैपिटल का 20% 30% लूज कर दिया एक ट्रेड में तो वो बड़ा लॉस है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो देखिए यहाँ पे आपको एंट्री मिली, यहाँ फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ फिर आपका 3 स्टॉप लॉस आपके हिट हो गए, और फिर यहाँ पे देखिए आपको मूव मिली और ये अभी भी मूव आ ही रही है। तो मूव कब आ जाएगी ये आप देखिए, अब इसको आप और एनालिसिस कर सकते हैं कि रेंज ब्रेकआउट इसमें लगा सकते हैं, या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ट्रेंड के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम में जाके एनालिसिस कर सकते हैं कि 15 मिनट में क्या चल रहा है, आर्ली चार्ट पे क्या चल रहा है, आप इसको जितना भी आगे फैला सकते हैं। तो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। मैंने आपको इंट्राडे के माध्यम से बताया कि आप इंट्राडे में ट्रेंड फॉलोइंग कैसे करें। हायर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो आप स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो है कर सकते हैं, और एक अच्छे बच्चे की तरह। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको बड़ा आसान लग रहा होगा कि ट्रेंड को फॉलो करना तो बहुत आसान है, इतना आसान होता है कि हमें कुछ करना ही नहीं है जब एंट्री आ रही है। तो मार्केट यही तो होती है दोस्तों, बाय और सेल के जहां सिग्नल्स आ रहे हैं आपके पास तभी तो आपको ट्रेड करना होता है। तो लेकिन आप ये चीज़ नहीं करेंगे, मैं आपको अभी भी गारंटीड बोल सकता हूं, जब आप ये छोटा सा लॉस होता देखेंगे तो आप जो है अगर पहले ट्रेड में ही आपको छोटा सा लॉस हुआ तो आप दूसरे ट्रेड को लेते हुए हिचकिचाएंगे, दूसरा भी अगर लॉस में हो गया तो आप तीसरा नहीं लेंगे, और तीसरे में ही बड़ी मूव आ जाएगी, ये देखना आप। तो ये आपको बड़ी मूव तो मिलेगी मिलेगी, इस स्ट्रेटेजी से बहुत बड़ी मूव भी मिलेगी, ये भी तो मिलेगी कभी ना कभी। छोटे लॉस ले रहे हैं तो ये भी तो बड़ी मूव मिलेगी, ये भी तो समझो। तो ये आप आर्ली चार्ट पे भी कर सकते हो, अगर आप मार्केट को रेगुलरली ट्रैक नहीं कर पा रहे, एक घंटे में अपने मोबाइल पे ही ट्रैक कर पा रहे हो तो हाँ, ये एक और टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव भी है, टेक्नोलॉजी का एक एंगल भी है कि अगर आप मार्केट को नहीं ट्रैक कर पा रहे डेली, मतलब हर 15 मिनट में या 10 मिनट में, तो आप आर्ली चार्ट पे कर सकते हो। आर्ली चार्ट पे स्विंग ट्रेडिंग होती है और इसमें काफ़ी स्टेबल मूव्स आती हैं। आर्ली चार्ट काफ़ी, जितना हायर टाइम फ्रेम पे आप जाते जाओगे उतना आपका स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है मार्केट में। तो ये दोस्तों ये मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई जिसको मैंने नाम दिया है, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को ही एक नाम दिया है आपको सिखाने के लिए, ताकि आपको आप जो है इसको आसानी से याद रख सकें। आप बड़े बड़े नाम लेके मैं भी आपको सिखा सकता हूँ कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है तो बड़ा बहुत ही बड़ा सिस्टम है क्या? कोई नहीं दोस्तों, ये बहुत सिंपल सिस्टम है, इसको अच्छा बच्चा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने नाम दे दिया है। तो आपको समझाने के लिए कि आसान शब्दों में हिंदी में मैं आपको आसान
आसान ही आसान शब्दों में आपको ये सारी चीज़ें समझा सकूं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है, और अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर जो है कॉमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले मिलें, अगर आप और आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए करेगी। और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हैं, लिंक्डइन यूज़ करते हैं तो गूगल प्लस यूज़ करते हैं, उन पर ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने फ्रेंड्स में जिक्र कीजिएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और अच्छा कॉन्टेंट दूँ, और अच्छे तरीके से सिखाऊँ, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ मेरा कंटेंट आप लाइक कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।